गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, हम बजट चैप्टर कर रहे थे, आज हमने उसमें करना है फ्लेक्सिबल बजट, यानी कि फ्लेक्सिबल बजट का अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो हमने वो कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि एग्जांपल गिवन है, इसमें क्या लिखा है, अ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एक्स अटेन सेल्स ऑफ 6 लाख, यानी कि हमें सेल्स कितनी दी हुई है, 6 लाख रुपीज़ एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी, यानी कि ये जो सेल है ये 80% नॉर्मल कैपेसिटी पे गिवन है। ठीक है, और इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें गिवन है क्वेश्चन में। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है फिक्स्ड होती है, वो कितनी दी हुई, ऑफिस सैलरी गिवन है, जर्नल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, रेट एंड टैक्सेस गिवन है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमें गिवन है, वेजेस, रेंट, अदर एक्सपेंसेस एंड सेलिंग कॉस्ट गिवन है। ये जो सारा हमें डाटा गिवन है ये हमें 80% पे दिया हुआ है, 80% नॉर्मल कैपेसिटी पे। अब आगे उन्होंने क्या निकालने के लिए हमें बोला है, क्या फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला है, ड्रॉ अप फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, यानी कि हमें बजट बनाना है कौन सा, फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। ठीक है, 80% के साथ साथ आपने ऑपरेटिंग एट 90%, 100% एंड 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, यानी कि आपको 90%, 100% एंड 110% नॉर्मल कैपेसिटी पे भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, बजट अगर हम बात करें इसके फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट क्या होगा, ये जैसे कि फ्लेक्सिबल एक्स लिमिटेड फ्लेक्सिबल बजट ऑफ डिपार्टमेंट, देन हमें एक्सपेंसेस वगैरह ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देन बेसिस यानी कि जो हमें डाटा गिवन है 1% ऑफ सेल या 2% ऑफ सेल या फिक्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि हमें 80% का गिवन है, हमने 90, 100 और 110 का निकालना है साथ साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात करें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, कितनी गिवन है हमें सेल्स, 6 लाख रुपीज़। इसी तरह से हमने सेल जो है 80% पे कितनी लिख ली, 6 लाख रुपीज़। अब अगर 80% पे 6 लाख रुपीज़ है तो 90, 100 और 110% पे कितनी होगी ये आपको निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला होगा 6 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय, ये 80% पे है, अब हमने किस पे निकालनी है, 90 पे, तो हम क्या करेंगे, इंटू 90 कर देंगे। अगर हम इसको कट करें तो फिर 8 से अगर 6 लाख रुपीज़ को डिवाइड करें तो कितना बनता है, 8 7 56 एंड 8 5 40, 75,000 इंटू 9 करें तो 6,75,000 आता है। ठीक है, इसी तरह से हमने ये निकालनी है, जैसे कि 6 लाख जो है वो 80% के ऊपर है। ठीक है, अब हमने 100% पे निकालनी तो इंटू 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, 4 1 4, 15 5 75, 7 lakh 50,000 100% पे हो गया। ठीक है, अब 110% पे निकालना तो 100% आ गया हुआ हमारे पास, 7 lakh 50,000 का 110% कर देंगे तो 8 lakh 25,000 आ जाएगा। सो इसी तरह से हमारी जो सेल्स है वो आ गई। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यानी कि बेसिस क्या है इसके, फिक्स्ड है ये कॉस्ट। ठीक है, सो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के ऊपर क्या लिखी है, फिक्स्ड। ठीक है, ऑफिस सैलरी हमें कितनी गिवन है, ऑफिस सैलरी हमें दी हुई है 90,000। इसी तरह से 90,000 अगर 80% के ऊपर है, ठीक है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड यहाँ पे लिखा है। फिक्स्ड मतलब क्या है, चाहे वो 80% पे हो, चाहे वो 90% पे, चाहे 100 पे, चाहे 110 पे, सभी जगह सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स्ड। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये फिक्स्ड ही रहेगी, चाहे जितनी मर्जी कैपेसिटी हो। ठीक है, सो 90, 90, 90, 90,000 हमने सभी जगह लिख लिया। जर्नल एक्सपेंसेस में क्या लिखा है, 2% ऑफ सेल्स, यानी कि जो हमारी सेल्स है उसका 2%। अगर यहाँ पे 80% पे बात करें तो हमारी सेल्स कितनी है, 6 लाख रुपीज़। 6 लाख का अगर हम 2% करें तो कितना बनता है, 12,000। इसी तरह 6,75,000 का अगर हम 2% करें तो कितना बनता है, 13,500। इसी तरह से 7,50,000 का हम करेंगे 10%, 15,000 बन जाएगा। तो हमने 10% जो है, सॉरी 2% जो है निकाल लिए जनरल एक्सपेंसेस। इसी तरह डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड है तो सभी जगह सेम आ जाएगी, रेट एंड टैक्सेस भी फिक्स्ड है वो भी सभी जगह सेम आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का टोटल कर लेना है, ये सभी का टोटल जितना भी बना, 90 प्लस 12 प्लस 75 प्लस 8750, तो इनका टोटल आ गया। इसी तरह से सभी
लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ में हमने टोटल कर लेना है, तो हमारी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद हम सेलिंग कॉस्ट का देखते हैं। सेलिंग कॉस्ट में सैलरी उन्होंने क्या दी है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सैलरी का 8% ऑफ सेल्स। अगर हम बात करें सेल्स कितनी है यहाँ पे, 80% पे 6 लाख रुपीज़, 6 लाख का 8% अगर हम करेंगे तो 48,000 आता है। इसी तरह 6,75,000 का 8% करेंगे 54,000 आता है, 7,50,000 का 8% करेंगे 60,000 आता है। इसी तरह हमने सेल्स का 8% करके सैलरी निकाल ली। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का क्वेश्चन में दिया हुआ है 2% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 2% ऑफ सेल्स किया 6 लाख का, 2% 6,75,000 का 2% 13,500। तो इसी तरह से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से सारे एक्सपेंसेस हमने निकाल के फिर टोटल सेलिंग कॉस्ट निकाले। टोटल सेलिंग कॉस्ट कितनी हुई, ये सभी का टोटल 48,000 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6,000, इसी तरह से इन सभी को ऐड करके आ गया, ये हमारी सेलिंग कॉस्ट आ गई। इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में उन्होंने क्या लिखा, वेजेस फिक्स्ड है। मैंने क्या बताया, फिक्स में क्या होता है, चाहे वो 80 पे हो, चाहे 90, 100 या 110 पे, सभी जगह सेम ही रहेंगी। 15,000 है, सो हम क्या करेंगे आगे जाके, ये 15,000 फिक्स थी तो हमने एज इट इज ही सभी जगह लिख दी। अब आगे अगर रेंट की बात करें, रेंट कितना दिया हुआ है, 1% ऑफ सेल्स। 1% ऑफ सेल्स यानी कि सेल 6 लाख रुपीज़ है, 6 लाख का 1% कितना होता है, 6,000, ठीक है। इसी तरह दूसरे के सेल्स देखेंगे, 6,75,000 है, उसका 1% 6,750। सो इसी तरह हमने 1% निकाल लिया सभी का। देन इसके बाद टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है हम निकालेंगे। पहले उसके पहले हम देख लेते हैं अदर एक्सपेंसेस कितने गिवन है क्वेश्चन में। 4% ऑफ सेल्स यानी कि 6 लाख का अगर हम देखें, 4% कितना बनता है, 24,000, ठीक है। इसी तरह से सभी हमने निकाल लिए। फिर हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का टोटल कर लिया, 15,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000, ये कितना बना, 45,000। सो इसी तरह सभी की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई। अब जब हमने सभी का निकाल लिया टोटल, तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों को ऐड करके लिखना है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट प्लस टोटल सेलिंग कॉस्ट प्लस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जब इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,35,250। इसी तरह से हमने इसमें भी ऐसे करना है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो है फ्लेक्सिबल बजट बनेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। एक बार ये फॉर्मेट आप देख लेना और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।